प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। गोगुंदा उपखंड के स्थायराब थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों के घरों में चोरों का आतंक है। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों में वारदात की है और प्रवासी लोगों के घरों में चोर घुसे हैं। अभी कुछ दिनों का देखे तो परसों तरपाल एक मंदिर में चोरी हुई थी, उसके बाद कल दियान गांव में एक व्यक्ति के घर में घुसे और कुछ नकदी ले गए और सामान बिखरा हुआ। वहीं सेमड़ में एक प्रवासी के घर में चोर घुसने की जानकारी सामने आई है। इसे लेकर हमने सायरा SHO प्रवीण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो एक दो घटनाएं हुई हैं उसे लेकर टीम गठित की है और टीम संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस अलग अलग एंगल से वारदात करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। उन्होंने बताया कि कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जल्द उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी और निकट भविष्य में भी जो भी शामिल होंगे उन्हें सामने लाया जाएगा। उनका यह भी मानना था कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है, लोगों को कोई भी ऐसी घटना की जानकारी मिले तो उन्हें बताए। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह ने जल्द ही जो वारदातें हुई हैं उसमें बड़ी सफलता मिलने के पूरे संकेत दिए हैं।